दोर्भी पासां कुसाभ्यय मनसं चंद्रमौलिमित्रनेत्रं ध्याये शांतर्गमीचं गणपतिमलं श्रीशमेतं प्रसन्नं। पार्षद ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पार्षद ज्योतिर्विज्ञान ज्योतिष की विभिन्न विधाओं द्वारा आप सभी को लाभान्वित करने का उद्देश्य रखता है। आज हम आपके लिए अगस्त माह का मकर राशि का फलादेश लेकर आए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद हो तो अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके तथा अधिक से अधिक संख्या में हमारा चैनल पार्षद ज्योतिर्विज्ञान सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अन्य जानकारियाँ भी आपको प्राप्त हो सकें। इस माह हम मकर राशि के जातकों के लिए विशेष उपाय लेकर आए हैं, जो इस वीडियो के अंत में आपको बताए जाएंगे। तो आइए देखते हैं मकर राशि का इस माह का फलादेश। मकर राशि के लग्न को इस माह सप्तम दृष्टि से सूर्य, शुक्र, चंद्रमा तथा मंगल देख रहे हैं तथा मकर राशि के अष्टम में राहु तथा बुध का योग बना हुआ है। एकादश स्थान में बृहस्पति तथा द्वादश स्थान में शनि तथा केतु स्थित हैं, जहां आपको यह दिखाई दे रहा है कि इस माह इन स्थितियों में व्यय हो सकता है, नहीं होगा, रुक जाएगा, अर्थात धन की अवस्था बचने की स्थिति है, हानि नहीं होगी, व्यय नहीं होगा। राहु द्वितीय स्थान को भी देख रहे हैं मिथुन में स्थित होकर, और एकादश स्थान पर बृहस्पति, सप्तम स्थान पंचम स्थान तथा पराक्रम स्थान तृतीय स्थान को अपनी राशि को प्रदर्शित कर रहे हैं, देख रहे हैं। कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, कार्यक्षेत्र में आपके अनुभव से आपको सुदृढ़ सहयोग प्राप्त होगा, आपके कार्य की सराहना होगी, कार्य से आपको लाभ प्राप्त होगा। लग्न का अधिपति द्वादश में स्थित है, केतु के साथ स्थित है, आपकी संकालोपवर्ती बन सकती है जो कि आपको केतु प्रदान करेगा, और इसके साथ साथ एक विरोधाभास व्यवहार और आपके अंदर आ जाएगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे। इससे बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दोनों व्यवहार एक दूसरे के विपरीत व्यवहार हैं। षष्ठम स्थान में बैठे राहु शत्रुहंता का कार्य करेंगे। मकर राशि का इस माह का फलादेश मिला जुला असर लेकर आया हुआ है, जहां कुछ ग्रह आपको उत्तम अवस्था प्रदान कर रहे हैं, वहीं कुछ ग्रह आपके व्यवहार की तरफ निकृष्टता प्रदान कर रहे हैं। अतः मकर राशि के जातकों को इस माह अपने व्यवहार की स्थितियों को उत्तम करने की आवश्यकता है। ग्रस्त जीवन बहुत सौभाग्यशाली रहेगा, आपका जीवन साथी आपको उत्तम सुखों को प्रदान करेगा। मकर राशि के विद्यार्थी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं या कुछ परीक्षाएं या साक्षात्कार कुछ लोगों ने दिए हैं, उनको उनके सफल प्रभाव दिखाई देंगे तथा उनको सफलता प्राप्त होगी। मकर राशि के व्यापारी गण तथा नौकरी पेशे वाले सभी लोग अच्छी अवस्थाओं में प्रदर्शित हो रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जीवन के नए आयाम आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं, इन सभी को छूने की आप में अक्षमताएं हैं, केवल व्यवहार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यवहार आपका उत्तम है, लेकिन इस माह कुछ चीजें आपको अतिरेक की ओर लेकर जा सकती हैं। इन सभी समस्याओं से निवृत्ति के लिए मकर राशि के जातकों को इस माह इस मुद्रा का 12 मिनट अभ्यास करना चाहिए तथा इसके साथ
इस मुद्रा का और इस मुद्रा का प्रदर्शन तीन तीन मिनट करना चाहिए। ओम ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वरा सर्व भूतानाम ब्रह्मा अधिपतिर ब्रह्मणो अधिपतिर ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोम, इस ईशान मंत्र का जप करना चाहिए। जो जातक बड़े मंत्र का जप नहीं कर सकते हैं उन ईशानाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके साथ साथ भगवान विष्णु को मुनक्का का भोग लगाइए। यह आपके इस माह की समस्याओं से आपको निवृत्ति प्रदान करेगा। धन्यवाद।